राइज आज हम इधर आए हुए हैं, एक फिशिंग पॉइंट है और इधर हम देखते हैं कि भाई ये लोग फिशिंग कैसे करते हैं। जैसा कि हमें सबको मालूम है कि इंडोनेशिया जो है वन ऑफ द फेमस कंट्री है फिश फार्मिंग में। तो आज हमने बहुत सारे देखा, तरीका देखा कि कैसे ये फिशिंग को ग्रो करते हैं, कितना खाना देते हैं, कितना ऑक्सीजन देते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये एक दूसरी जगह है, इसमें दूसरा मतलब कि एक अनदर टाइप है फिश फार्मिंग की। जैसा कि पहले हमने देखा था बड़े बड़े पॉन्ड थे, लेकिन इधर जो है ना छोटे हैं तालाब, छोटे साइज में हैं, और लेकिन इधर मछली भी जो है ना पर क्यूबिक ज़्यादा पाली जा रही है। लेकिन इसकी न्यूट्रिशन का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है, इसको विटामिन दिए जा रहे हैं, अमोनिया दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक फूड दी जा रही है और साथ साथ में इसको ऑक्सीजन दी जा रही है। ये आप पाइप, छोटे छोटे पाइप देख सकते हैं, इसके थ्रू ऑक्सीजन दी जा रही है। ये अभी खाना फेंक रहे हैं मछलियों की तरफ, आप देख सकते हैं। और पर डे में ये देते हैं तकरीबन 28 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं, खुद ही नज़र लगा सकते हैं कि 21,000 फिश के लिए 28 किलो पर डे ये खाना डालते हैं। बाईस मास उनका ऑक्सीजन हरुस बराबर आधा ini ऑक्सीजन मशीन di sini untuk sekarang dengan kondisi ikan masih kecil, kita cukup pakai satu mesin dan satu HP. Ini nanti bisa bertahan kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu bobot ikan sudah tambah, nanti kita perlu tambah 1 kg lagi sampai panen. Oke. Baik, इन्होंने ये कहा है कि ये जो 40 मीटर का ये पॉन्ड है 40 ग्यारह का, तो इसके अंदर एक्चुअल में दो होने चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये एक लगाए हुए हैं जस्ट टू सेव कॉस्ट। तो ये जो है लगाना ज़रूरी है, इसकी वजह से ऑक्सीजन इनको फिश से मिलती रहती है और इनका बॉडी जो है ना फास्टली जो है ग्रो करती है। इन्होंने ये कहा है कि ये 40 मीटर इसका लंबाई में है और तकरीबन 11 मीटर जो है वो चौड़ाई में है और 1.5 मीटर जो है वो गहरा है। और इस पॉन्ड में इन्होंने लगाए हुए तकरीबन 21,000 मछली छोड़ी हुई है और पर क्यूबिक जो है तकरीबन 50 फिशेज आ रही हैं।